मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न। खबर औरैया जिले से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम धार्मिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 120 जोड़ों ने अग्नि के फेरे लेकर एक दूसरे के साथ जीने की कसम खाई। हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज के नव युवकों और नव युवतियों की एक साथ एक ही छत के नीचे शादियां व निकाह कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को समाज के सभी वर्गों ने सराहा। पेशे एक रिपोर्ट। आज जब भी बेटियों को साड़ी बांट रहे थे तो हम सबको इस मंच से देखने में लग रहा था कि उन्होंने अपना पिता का जैसे दायित्व शादी में होता है वो पिता का दायित्व उन्होंने इस मंच के माध्यम से निर्वहन किया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। पिछले वर्ष में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 68,000 हुई सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पारित गृह संस्कार से उनका विवाह संपन्न हुआ और इस योजना को अभी जो विधानसभा में बजट रखा गया उस बजट में इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है, क्योंकि ये निरंतर पारित गृह संस्कार में गरीब कल्याण के लिए जिन गार्जियंस के पास अपनी बेटी को विवाह करने के लिए धन नहीं है, गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चिंतन करते हुए गरीब असहाय के गरीब असहाय लोगों के पुत्रियों के विवाह के लिए ये योजना अत्यंत महत्वपूर्ण कराई। पारित गृह संस्कार में बढ़ने से पहले यहाँ पर वर वधु के 124 जोड़े बैठे हुए और सबसे महत्वपूर्ण और खुशी की बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत 4 मुस्लिम जोड़े भी आज निकाह के द्वारा अपना दंपत्य जीवन स्वीकार करेंगे। मैं सभी जोड़ों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय बड़े भाई श्रीमान लखन सिंह जी राजपूत, भारत की राजनीति में अपना सर्वोच्च स्थान रखने वाले इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारी सरकार की जो मंशा है कि सबका साथ हो, सबका विश्वास हो, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हो साथ, उस परंपरा को आगे बढ़ाने में यह एक आयोजन महत्वपूर्ण कड़ी है। इस आयोजन के द्वारा सिर्फ यही मैसेज देना है कि जो सामाजिक दायित्व है और जो सरकारी सरोकार है वो अलग अलग चीजें नहीं है। हम सामाजिक दायित्व को पूरा करते हुए हमारी सरकार कहीं ना कहीं जो सामाजिक दायित्व है उनके साथ सरकारी दायित्व को जोड़ दिया गया है ताकि सामाजिक दायित्व भी पूरे हो सके। जो गरीब कन्याएं हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही किसी कारणवश धनाभाव में, उनकी शादियां हो सके, जन कल्याण हो सके और यही एक उद्देश्य जो सरकार का है वो साकार हो सके। आप सभी का धन्यवाद। जनपद सोनभद्र में भी मैंने करीब 1001 शादियां करवाई थी एक ही मंडप के नीचे, वो अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक विवाह का आयोजन रहा है और आज 124 जोड़ों में से 5 जोड़े नहीं आ पाए हैं लेकिन बाकी के जोड़े यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उन सभी की शादी और उनके वैवाहिक जीवन सुखी हो उसके लिए आशीर्वाद और मंगल कामना करते हैं और सभी का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने आगे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। पहले तो इनकी शिक्षा कैसे होगी?
हो